क्या नाम है बेटा आपका? विकास कुमार है, बनारस से हमें। सर मेरा नाम अनिकेत बिन जी फ्रॉम भदोही। विशाल कुमार, बनारस से। ऐसा लगा यहाँ आके? यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा जी। मैं अयोध्या नगरी घूमे जी, और यहाँ की जो सजावटी है बहुत अच्छी है। नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चे हमारे यहाँ कुछ आए थे जो खो खो के प्लेयर थे और जिनका सिलेक्शन अंडर 19 और अंडर 14 में हुआ है। तो उन्हीं कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी कुछ जानने की प्रयास करेंगे कि कैसा उनका ये दिन रहा और यहाँ पर इनका ट्रायल चल रहा था, क्योंकि ये नेशनल खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले तैयार किए जाएं ताकि ये जाकर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। तो ये बच्चे हमारे यूपी टीम के खो खो खेल के हैं, तो हमारे साथ बच्चे भी हैं और कोच सर भी हैं जो काफ़ी दूर दूर से बच्चे सभी स्टेट से, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं कोच सर, हम आ चुके हैं कोच सर के पास और इनके साथ बच्चे भी हैं, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे ये बच्चे कहां कहां से हैं। नमस्ते सर, इस अयोध्या की धरती पे आप सभी का स्वागत है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप कहां से हैं। मेरा नाम राहुल कुमार गौतम, मैं प्रयागराज से हूं जी, और मैं इस सीज़न का यहां अंडर 19 का कैंप चल रहा है उसका मैं कोच हूँ, और ये हमारे सब बच्चे हैं जी। ये अभी काफ़ी बच्चे हैं, इसमें ये खो खो खिलाड़ी हैं, अब बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि खेलने का बहुत अच्छा खेलते हैं तो उसका तो कोई रीज़न होगा खेलने का जी। वो मेहनत करते हैं, अब मेहनत करते हैं तो कोई कराता भी होगा जी जी। और ये हमारे देखिए बच्चे, ये स्कूल के नेशनल के बच्चे हैं ये। और सर आप बच्चों से पूछ सकते हैं जी। तो दोस्तों, हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है बेटा आप? विकास कुमार है, बनारस से हमें। बनारस से आए हैं, तो आपका अंडर 19 सिलेक्शन हुआ है, तो इसका श्रेय सबसे पहले आप किसको देना? मैं सर को जाएगा। सर को जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं जी, और सुबह में वर्कआउट अच्छा कराते हैं, शाम को मैच अच्छा कराते हैं जी, और सभी खिलाड़ी को अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं, इससे उन लोगों का गेम अच्छा होता है जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप अयोध्या नगरी में आए हैं, एक विश्व पटल पर अयोध्या को देखा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? हमको यहाँ पर आए तो कई दिन से है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर बना है ये अच्छा लग रहा है एकदम जी। यहाँ वैसे मौका मिला कि हम लोग मंदिर देख पाए जी, अब चाहे कि अगले बार भी आए देखने के लिए हम लोग। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम अनिकेत बिन जी फ्रॉम भदोही। भदोही से आए हैं, तो आप भदोही से आए हैं, आपको अयोध्या कैसे लगा? अयोध्या एक बहुत अच्छा नगरी है, जो राम जन्मभूमि है जी, और हमारी प्राचीन मंदिर है भी है जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तो यहाँ ट्रायल चल रहा था, तो आपको कैसा लगा कि ट्रेनिंग अच्छी दी गई यहाँ पर? हाँ, हमारे गुरुजन बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए कोच सर जी, जो यहाँ पे मौजूद है और डेली प्रैक्टिस कराते हैं दोनों टाइम। तो यहाँ रहने के लिए कैसी व्यवस्था थी आपकी? बहुत अच्छा प्रैक्टिस। और खाने की क्या व्यवस्था थी? अच्छा व्यवस्था थी। हाँ ठीक है। और भी हमारे साथ बच्चे हैं दोस्तों, हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? विशाल कुमार, बनारस से। बनारस से हैं आप, तो कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा जी। मैं अयोध्या नगरी घूमे जी, और यहाँ की जो सजावटी है बहुत अच्छी है जी, हमें बहुत अच्छा लगा काफ़ी। मैं चाहूँगा कि हमेशा आए यहाँ पर जी। तो जैसे आप यहाँ आए, आपका सिलेक्शन 19 में हुआ, आप सभी लोग का सिलेक्शन यूपी टीम में हुआ है, तो आप को क्या लग रहा है कि यूपी के बच्चे आपकी मेडल लेकर आने वाले हैं खो खो में? सर हमें तो अनुभव है कि अपने अनुभव पे हम मेडल मार के आएंगे इस बार जी, यही है सर हम लोग की कोशिश पूरी रहेगी जी। तो यहाँ पर ट्रेनिंग आपको किस तरह से दी गई है? हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिया गया सर, सुबह स्किल किया कराया जाता था जी, सुबह 4 बजे से जी चलता था ट्रेनिंग एक टाइम, दोपहर में चलता था जी 10 से 12 बजे तक जी, फिर शाम को 4 बजे तक से 5-8 बजे तक चलता था ट्रेनिंग जी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते थे हमारे सर जी। क्या नाम है बेटा आपका? धर्म सरोज, जौनपुर। धर्म सरोज कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से। आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, आप किस लाइन पर खेलते हो? जैसे खो खो मैच होता है तो ऑलराउंडर होते हैं, कुछ डिफेंडर होते हैं, कैसे खेलते हैं आप? हम डिफेंडर हैं। डिफेंडर हैं जी। तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग तैयार की गई, आपका सिलेक्शन हुआ 19 में, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बढ़िया लग रहा है, बस यही हम सबको यही सर सिखाए हैं कि जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं बस वही हम लोग को दिखना चाहिए वहाँ पर भी जी।
तो देखा दोस्तों, मैंने स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन इंडिया के बच्चे अंडर 19 के थे जो खो खो में जिनका सिलेक्शन हुआ है और इनका ट्रायल यहाँ स्पोर्ट स्टेडियम मकबरा में चल रहा था, तो मैंने उनसे आपका परिचय कराया। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।